हमीरपुर जिला की ताल पंचायत के अमनेड़ गांव में एक मकान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट से गरीब परिवार का पूरा मकान जलकर राख हो गया। आगजनी की इस घटना में प्रभावित परिवार का 10 लाख का नुकसान हो गया है। हालांकि प्रारंभिक जांच में तो ये बात सामने आ रही है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी है, लेकिन जांच के बाद ही कारण स्पष्ट हो पाएंगे। नमस्कार मैम, ये आग लगी है मकान में, तो क्या आप प्रधान है, स्थानीय प्रधान है, क्या सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? सरकार की तरफ से मैं प्रधान ग्राम पंचायत ताल निशा रानी। यहाँ आज सुबह फोन आया था किसी का कि आग लगी, तो पुलिस प्रशासन को फोन किया गया, दमकल विभाग को भी फोन किया गया, तो सभी मौके पर आए, रेवेन्यू विभाग वाले भी आए। यहाँ लगभग नुकसान काफी हो चुका है, कम से कम 10 लाख के लगभग है। तो मैं प्रशासन से कृपया मांग करती हूँ कि इनको जल्द जितनी राशि कृपया प्रदान की जाए जल्दी से जल्दी, और बाकी सहायता प्रशासन ने अभी एसडीएम साहब ने फौरी राहत भी दी 10,000 रुपया, बाकी कुछ लोगों ने, मैंने भी 5,500 रुपया दिया, बाकी कुछ लोगों ने और ज्यादा सहायता कर रहे हैं लोग जी। पर चलो प्रशासन से फिर मैं मांग करती हूँ कि इनको ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी सहायता राशि प्रदान की जाए। मैम जो नुकसान आग लगी है उसके कारणों का पता चला है कुछ? कारणों का तो नहीं कुछ पता चला, सुबह 5:30 बजे के करीब लगी जी। तो इसके बारे में तो अचानक आग लगी है, ये नहीं पता किस चीज से लगी। ठीक है जी, धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।